राधा जी, बिहार से स्वागत है आपका। मुझे खाना खाने के बाद मेरा सांस फूलने लगता है और सांस फूलने लगता है और ऐसा लगता है कि मतलब घबराहट सा होने लगता है। और मेरे पिताजी हैं, मेरे ससुर जी, उनको बवासीर का प्रॉब्लम हो गया है, तो हम पूछना चाहते हैं हकीम साहब से कि उसका कोई नुस्खा बताइए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 21 22 साल 22 साल। अच्छा, देखिए, अगर खांसी, नज़ला, छींकें या बलगम वाले मरीज हैं आप, तो उसका इलाज करें। आपकी उम्र बहुत कम है, तो दिल का तो कोई रोग नहीं हो सकता आपको। तो एक नुस्खा आपके लिए और एक आपके सुसर साहब के लिए। आपके लिए यह है कि सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, तीन चीज़ें। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, तीन चीज़ें 100 100 ग्राम खरीदें। उन्नाव की गुठली निकाल के फेंक दें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं और इनको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लें और दूध भी पीना छोड़ दें। ये एक खुराक या दो खुराक पूरे दिन में आपको लेना है। और आपके सुसर साहब के लिए ये खाने का सोडा एक चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, खाने का सोडा एक चुटकी और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला दें और उन्हें दिन में एक बार या दो बार खाने के पश्चात दिया करें, उनको भी फायदा होना मुमकिन। बिहार से हैं अनुराधा पांडे जी, स्वागत है आपका। हमारे जो ससुर जी हैं उनका बवासीर हुआ है और वो घाव बना देता है, उसका कोई नुस्खा बताइए। ठीक है अनुराधा जी, देखिए, बवासीर ठीक रखने के लिए पेट ठीक रखना पड़ता है। एक तो ऐसी उन्हें चीज़ें खिलाएं जिससे उनका हाजमा दुरुस्त रहे, अच्छा रहे। फिर दूसरा, मैंने कहा कि आपके किचन में खाने का सोडा होता है, जिस सोडे से आप खाने में मिलाते हैं ना, पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ बनाते हैं अक्सर महिलाएं, उसमें मिलाती हैं, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून। ये एक दुनिया का विशेष नमक है जो नमकीन नहीं होता, इसे नमक जैतून कहते हैं। और इससे ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता बल्कि और कम होता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो एक चुटकी में जितना आ जाए नमक जैतून, एक चुटकी सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, 2 गिलास पानी मिला के दिन में एक बार या दो बार उन्हें दें, आपके सुसर साहब का फायदा होना मुमकिन है।